गाइस वेलकम टू योर ऑन क्लासेस डिप्लोमा क्लासेस। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव ऑन करते हैं, लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर नंबर 7 में है क्या स्पेसिफिक एनर्जी, तो चलिए हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक एनर्जी है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज़ डिफाइंड एज अ एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूड व्हेन द बॉटम ऑफ चैनल इज कंसिडर्ड एज डैटम। तो क्या कहना चाहता है, तो कहना चाहता है कि एनर्जी पर यूनिट वेट होगा जो फ्लूड का, वो किसको कंसिडर करेगा, तो डेटम को कंसिडर करेगा। डेटम को हम क्या बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है स्पेसिफिक एनर्जी का, वो है पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई टू जी। तो पी बाई रो जी, ये जो मेरा डेप्थ है, मीन्स में ये जो मेरा बॉटम से जो मेरा टॉप है उसका जो डेप्थ होता है वो वाई होता है, और वाई जो होता है पी बाई रो जी होता है। तो मैं रो की जगह पे हम क्या है, मैंने पी बाई रो जी की जगह पे वाई लिख दिया, और तो वाई प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया, क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्पेसिफिक एनर्जी का जो है वो इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। तो चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल तो रेक्टेंगुलर चैनल का मैंने एक फिगर बनाया है, इसका ये क्या है विड्थ है और इसका लेंथ है। तो हम लोग को पता है कि जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इंटू वी, मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। तो एरिया क्या हो जाएगा मेरा, एरिया हो जाएगा बी इंटू वाई, एरिया और वेलोसिटी है जैसा का तैसा रख दिया, तो बी इंटू वाई। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम वी निकाल सकते हैं, वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई बी इंटू वाई। तो मुझे पता है कि क्यू बाई बी इक्वल टू क्यू होता है। तो क्यू बाई बी का वैल्यू मैंने यहाँ क्या ले लिया, Q ले लिया। तो Q क्या होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट वेट को हम क्या कहते हैं, Q बोलते हैं। तो जो मेरा ये जो वैल्यू आया उसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे, ये जो मेरा वैल्यू आया इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा मेरा, तो E इक्वल टू क्या, स्पेसिफिक एनर्जी इक्वल टू वाई प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी। तो वाई का जस का तस रहेगा, जो यहाँ वी है, जो मेरा वी आया है Q प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 2 इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर, यहाँ y है और y का स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं क्रिटिकल डेप्थ, जिसको हम लोग YC से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ अ डेप्थ ऑफ क्या है, इट इज़ अ डेप्थ ऑफ चैनल विच एनर्जी स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम। क्रिटिकल डेप्थ में क्या है कि जो इसका स्पेसिफिक एनर्जी होगा, ये स्पेसिफिक एनर्जी क्या है, तो है पी बाई रो जी एच प्लस बी स्क्वायर बाई टू जी। उसका क्या होगा, वो स्पेसिफिक एनर्जी होगा मिनिमम होगा। तो उसका जो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला याद किया है, YC इक्वल टू Q स्क्वायर बाई जी वन बाई थ्री। इसका डायरेक्ट फार्मूला है, डेरिवेशन नहीं किया है, डायरेक्ट फार्मूला याद कर लेते हैं। तो क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होगा, तो VC से डिनोट करते हैं, इट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इन द चैनल एट अ क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लूड इन चैनल एट अ क्रिटिकल डेप्थ इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी। जो मेरा क्रिटिकल डेप्थ होता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। मतलब VC मीन्स क्रिटिकल वेलोसिटी इक्वल टू होता है G इंटू YC। जी क्या है, ग्रेविटी, और YC मेरा है क्रिटिकल डेप्थ। तो चलिए हम लोग आगे मूव ऑन करते हैं अल्टरनेटिव डेप्थ क्या है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द डेप्थ ऑफ चैनल विच इज़ वन एट सुपर क्रिटिकल फ्लो एंड अनदर इज सब क्रिटिकल फ्लो गिवन स्पेसिफिक एनर्जी। तो मैंने आपको पढ़ाया सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल क्या होता है, तो वही बोल रहा है कि जो डेप्थ होगा चैनल का वो एक होगा सुपर क्रिटिकल, तो दूसरा होगा सब क्रिटिकल। उसी उसी
उसी फ्लो को हम क्या बोलेंगे, उसी फ्लो को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव डेप्थ बोलेंगे। जो मेरा एक सुपर क्रिटिकल होगा, एक जो दूसरा होगा सब क्रिटिकल होगा, उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, उस फ्लो को हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव फ्लो। तो नोट क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ क्रिटिकल डेप्थ द स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम इन हैव ओनली वन वैल्यू। क्या कह रहा है, जो स्पेसिफिक एनर्जी होगा वो मिनिमम होगा किस तक, तो एक वॉल्यूम तक। तो आगे मूव ऑन करते हैं हम लोग हाइड्रोलिक जंप की ओर। तो देखते हैं हाइड्रोलिक जंप होता क्या है। तो इट इज़ डिफाइन एज द राइज लेवल ऑफ वाटर लेवल टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल शूटिंग फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो इन टू स्ट्रीम फ्लो। तो कहना चाहता है कि जो मेरा वाटर लेवल है वो टेक्स प्लेस होगा, कहाँ पर टेक्स प्लेस होगा, तो अनस्टेबल या हम क्या बोल सकते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लो की तरफ अनस्टेबल होगा। जो मेरा हाइड्रोलिक जंप होगा वो क्या होगा, वाटर लेवल का जो उसका अनस्टेबल फ्लो है मीन जो सुपर क्रिटिकल फ्लो है वो किस में कन्वर्ट होगा, इनटू स्टेबल स्ट्रीम फ्लो में कन्वर्ट होगा, ट्रांसफॉर्मेशन इनटू स्टेबल स्ट्रीम फ्लो। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हाइड्रोलिक जंप इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडिंग वेव और शॉक वेव। हाइड्रोलिक जंप को हम क्या कह सकते हैं, हम स्टैंडिंग वेव भी कह सकते हैं और शॉक वेव भी कह सकते हैं। तो जैसे ये पूछ जाएगा स्टैंडिंग वेव ऑल्सो नोन है, तो हम लिखेंगे हाइड्रोलिक जंप। एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट ड्यू टू हाइड्रोलिक जंप, एनर्जी लॉस पर यूनिट वेट इज नोन एज हाइड्रोलिक जंप में। तो हम डायरेक्ट फार्मूला बोल देंगे, EL इक्वल टू Y2 माइनस Y1 होल क्यूब बाई 4 इंटू Y1 इंटू Y2। तो Y1 क्या है, तो डेप्थ ऑफ फ्लो बिफोर द जंप, जंप से पहले जिसका डेप्थ होगा, मीन्स जंप से पहले किसका डेप्थ होगा, Y1 का, और जंप के बाद जो डेप्थ होगा वो Y2 का होगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एनर्जी लॉस निकालना रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे Y1 माइनस Y2 होल क्यूब बाई 4 Y1 इंटू Y2। डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप इन द टर्म ऑफ स्ट्रीम फ्लो फ्रॉड नंबर। तो क्या हो जाएगा, जब डेप्थ ऑफ हाइड्रोलिक जंप निकालना रहेगा किसके टर्म में, तो किसके टर्म में, तो फ्रॉड नंबर के टर्म में। तो हम क्या निकालेंगे, Y2 इज इक्वल टू Y1 बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस फ्रॉड नंबर R1 स्क्वायर 1 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हमको Y1 निकालना है तो Y1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Y1 निकालने के लिए Y2 by 2 under root 1 plus क्या होगा, fraud number of 2 का square minus 1। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, depth of hydraulic jump निकल जाएगा, किसके term में, तो fraud number के term में, जो FR है, fraud number क्या है, तो fraud number मेरा upstream, FR1 जो है वो fraud number है, किसका, upstream का fraud number। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं हाइड्रोलिक जंप की लेंथ क्या होगा, हाइड्रोलिक जंप का तो क्या होगा, 5 to 7 times होगा, 5 to 7 times किसका होगा, तो डेप्थ ऑफ जंप का 5 to 7 times होगा। तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, पोस्ट जंप और प्री डेप्थ जंप, जंप से क्या बोल सकते हैं, पहले और प्री बाद में। तो Y1 Y2 प्लस Y1 इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर बाई G1 इंटू Y1 इंटू Y2। क्या है ये, मेरा सम है पोस्ट का, पोस्ट डेप्थ मीन्स Y2 प्लस Y1 या Y2 प्लस Y1 और प्री डेप्थ है किसका, तो 2 क्यू स्क्वायर बाई G1 Y1 Y2 का। चलिए हम आगे देख लेते हैं एप्लीकेशन, किस किस चीज़ में एप्लीकेबल होता है हाइड्रोलिक जंप। तो फर्स्ट जो एप्लीकेबल होता है, इट इज़ मिक्सिंग द केमिकल इन केमिकल इंडस्ट्री। तो पहला है ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज होता है, किसके लिए, तो मिक्सिंग करने के लिए केमिकल को, क्या हुआ, हाइड्रोलिक जंप। इट इज़ यूज द डिस्पैच एनर्जी बिलो स्पिलवे, डिस्पैच करने के लिए, एनर्जी को डिस्पैच करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक जंप का। चलिए हम आगे देख लेते हैं, फ्रॉड नंबर टाइप्स ऑफ जंप और एनर्जी लॉस, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है SSC JEE में, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। तो 1 is less than 1.5, तो क्या होगा मेरा, एंडुलर जंप होगा जो उसका लॉस्ट एनर्जी होगा वो क्या होगा, जीरो होगा।
आगे देख ले सेकेंड 1.7 लेस देन 2.5 लेस देन आर इक्वल टू 2.5, तब उसमें क्या होगा, मेरा वीक जंप होगा, जो उसका जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा, वो 5-18% होगा, जो मेरा 1.72 लेस देन और इक्वल टू 2.5 तो उसका जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या होगा 5-18%, और उसका जो जंप का जो टाइप होगा वो क्या होगा, वीक जंप होगा। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग थर्ड, 2.5 इज लेस देन 4.5 तब मेरा ऑसिलेटिंग जंप होगा। क्या होगा ऑसिलेटिंग जंप, जब मेरा 2.5 से 4.5 तक होगा तब उस समय क्या होगा ऑसिलेटिंग जंप होगा, और उसका जो एनर्जी लॉस होगा वो कितना होगा 18-45%। चलिए हम आगे देख लेते हैं 4.5 to less than 9 क्या होगा, 4.5 to less than 9 स्टडी क्या होगा, स्टडी जंप होगा, और उसका जो लॉस एनर्जी होगा वो 45-70% होगा। तो फिफ्थ देख लेते हैं हम लोग, फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन कितना, ग्रेटर देन 9 देन इट्स टाइप फ्लो ऑफ हाइड्रोलिक जंप, और उसका जो लॉस एनर्जी होगा वो कितना होगा 70% होगा। कितना होगा उसका है हाइड्रोलिक लॉस, इसका जो लॉस एनर्जी होगा वो कितना होगा 70% होगा किसका, तो इसका फ्रॉड नंबर जब मेरा ग्रेटर देन 9 रहेगा तो अब। तो चलिए आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, चलिए हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं।